नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैन मीडिया के ऊपर। मैं आपके साथ महेश चौधरी। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। चीन और ताइवान के मध्य फिर से विवाद बड़ा ही गंभीर रूप ले लिया है। यहाँ पर चीन और ताइवान के मध्य जिस जंग को देखते हुए हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं आपके सामने इन तमाम न्यूज़ों का चिट्ठा। बने रहे हमारे साथ। अभी हाल ही के अंदर अमेरिका की सीनेट मंत्री नैन्सी पेलोसी जब ताइवान के दौरे पर जाती है तो वहाँ पर चीन नाराज हो जाता है। चीन की इस नाराज़गी को देखते हुए चीन कहता है कि मैं अपने हाथों पे हाथ धर के नहीं बैठूंगा। तभी चाइना अपनी जो सेना है आर्मी ड्रिल को वहाँ पर ताइवान के चारों तरफ लगा देता है। लेकिन नैन्सी पेलोसी से ही वहाँ पर अमेरिका नहीं थमता है। उसके बाद में फिर से अमेरिका अपने जो सांसद कमेटी टीम को वापस ताइवान के दौरे पर भेजता है। इसको देख करके अब जो चीन है फिर से नाराज़गी जाहिर कर देता है और गुस्से में हो जाता है, और गुस्से में होकर के वो अपनी जो आर्मी ड्रिल सेना को वापस ज़्यादा बढ़ा देता है ताइवान की तरफ और ताइवान को चारों तरफ से घेर लेता है। इसके बाद में ताइवान रोप जताता है कि चीन के 30 फाइटर प्लेन ताइवान में घुस गए हैं। तो इस चीज़ को देख करके वहाँ पर ऐसा माहौल चल रहा है कि जो युद्ध है, युद्ध का संकेत मिल रहा है। इन चीज़ों को देख करके युद्ध का संकेत दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ताइवान चीन की इन शक्तियों के सामने टिक सकता है? तमाम मुद्दों को देखते हैं हम। सबसे पहले देखें तो चीन के पास सेना जो आर्मी है वो है 20,35,000, जबकि ताइवान के पास 1,70,000 सैनिक हैं। उसी प्रकार देखें तो चीन के पास थल सेना है वो 9,65,000 है, जबकि ताइवान के पास 94,000 सेना है। इसी अनुसार देखें तो नेवी की सेना चीन के पास लगभग 2,60,000 है, जबकि ताइवान के पास 40,000 सेना है। इसी प्रकार देखें तो चीन के पास एयरफोर्स की सेना लगभग 4,00,000 यानी कि 3,95,000, जबकि ताइवान के पास ये सेना है एयरफोर्स की सेना 35,000 है। इस तमाम आंकड़ों को देखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर पावरफुल कंट्री चीन है। यहाँ पर चीन के सामने ताइवान टिकने वाला है नहीं। इसी प्रकार देखें तो हथियारों के मामले में देखें तो चीन के पास हथियार 3,550,000 टैंक है, जबकि ताइवान के पास 650 टैंक है। उसी प्रकार देखें तो चीन के पास 3,000 लड़ाकू विमान है, जबकि ताइवान के पास 500 लड़ाकू विमान है। इसी प्रकार देखें तो चीन के पास 59 पनडुब्बियां हैं, जबकि ताइवान के पास मात्र 4 पनडुब्बियां हैं। इसी प्रकार देखें तो चीन के पास 86 पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन के पास 9 सैनिक जहाज 86 हैं, जबकि ताइवान के पास मात्र 26 हैं। इसी प्रकार देखें तो चीन के पास 9,000 तोपे हैं, जबकि ताइवान के पास 2,000 से कुछ अधिक हैं। इन प्रकार के इन आंकड़ों को लगा करके जो आंकड़ों से हम देख सकते हैं कि चीन और ताइवान के मध्य विवाद होगा, यदि युद्ध की संभावना होगी, युद्ध होगा तो यहाँ पर चीन के सामने ताइवान नहीं टिक पाएगा। यदि टिकता है तो एक यहाँ पर कारण बन सकता है, यदि ताइवान अमेरिका से हथियार खरीदता है, इसलिए अमेरिका ने कहा है कि मैं ताइवान को ज़रूरत पड़ी तो मैं ताइवान को साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका चीन पॉलिसी की तरफ बढ़ता है, चाइना पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है, जबकि वहाँ पर जो चीन और अमेरिका के जो संबंध कूटनीतिक संबंध है उनको देख करके यहाँ पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपन साफ रूप से नहीं कह सकते कि अमेरिका ताइवान का साथ देगा।
समझते हैं ताइवान और चीन के मध्य ये विवाद कब से शुरू हुआ था। तो लगभग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर चीन से अलग ताइवान एक टुकड़ा हुआ था। उसी वक्त ताइवान चीन से अलग हुआ था। चीन ये कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, लेकिन ताइवान ये कहता है कि मैं एक स्वतंत्र देश हूँ, मेरे पास मेरा खुद का संविधान है और मेरी जनता से चुनी हुई सरकार है। और इसी प्रकार तेरा देश इसको देश ताइवान को देश मानते हैं, लेकिन चीन उन देशों के ऊपर दबाव डालता है कि ताइवान की इस मान्यता को ख़त्म किया जाए। इस प्रकार से ये जो देश है ये दक्षिण पूर्व चीन से दक्षिण पूर्व में लगभग 100 मील दूर स्थित एक देश है, जो कि चाइना इसको अपने देश में अपने भाग में शामिल करना चाहता है। इसी प्रकार कहें तो चीन के पास एक बड़ी शक्ति है। चीन अपनी सेना के अंदर देश के सबसे ज़्यादा देशों में अपनी सेना के ऊपर बजट खर्च करता है मात्र एक अमेरिका से कम। इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि चीन और ताइवान के मध्य जो विवाद हो रहा है वो भयंकर रूप ले लिया है। और यहाँ पर एक्सपर्टों ने यहाँ पर अनुमान लगाया है कि यहाँ पर यदि चीन और ताइवान के मध्य युद्ध होता है तो दोनों के मध्य भयंकर जंग होगी, तो यहाँ पर ताइवान चाइना के सामने टिक नहीं पाएगा। तो दूसरी तरफ 6 महीने पहले की ही बात है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के मध्य जो विवाद चल रहा है उसको देख करके यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हालात कैसे होंगे। इन तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ बने रहें। अब तक की न्यूज़ ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे फैन मीडिया के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, फैन मीडिया।